और अगर जब आप उस माइक को बंदूक से ज्यादा खतरनाक बना लेंगे तो फिर वो देश हित में सही नहीं होगा। क्या आप अलग अपनी पार्टी बना ले, राजपूत अपनी एक पार्टी बना ले, उसकी अपनी सेना होनी चाहिए, अपना जेल होना चाहिए, मतलब जहां जो दिखे हम सब फैसला वहीं कर दें। बिहार के मजदूर पलायन करते हैं, बिहार में बेरोजगारी है, वैसे में भाई जो तेजस्वी यादव के चाहने वाले हैं उनको तो बुरा लगेगा। दोस्तों नमस्कार, मैंने आज एक फेसबुक पेज पर एक पोस्ट पढ़ा, ये पोस्ट था कुमार अभिनव जी का, ये भी एक रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बुलंद आवाज है, तगड़ी है एकदम, और हमारे साथ एक बार इनका मुलाकात भी है, शायद मेरा ही इंटरव्यू ले रहे थे, बहुत जबरदस्त बोलते हैं। और ये मनीष कश्यप और ये अपने बारे में कुछ फोटो वहां पर डाले हुए थे अपने साथ मनीष कश्यप जी का, और कुछ चीजें इन्होंने लिखा था, मैंने उसे पढ़ा, पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जब मैं इसे पढ़ ही लिया हूं तो पढ़ने वाला व्यक्ति ही पढ़ सकता है, जैसे आप पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं थी जिसे मैं देना समझा, और हो सकता है कि अगर कुमार अभिनव जी भी इस वीडियो को देखें तो शायद, मुझे लगता है कि जो हमारी प्रतिक्रिया होगी बुरा नहीं लगेगा उन्हें, ऐसा मैं उम्मीद कर पा रहा हूं। पहले तो मैं उनका पोस्ट पढ़ देता हूं, इन्होंने मनीष कश्यप जी के बारे में लिखा था, बिहार के बेटे मनीष कश्यप, मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी और मनीष कश्यप भैया की विचारधारा कई मुद्दों पर एक दूसरे के विपरीत रहती है, जैसे पठान फिल्म और शाहरुख खान के खिलाफ में रहे मनीष कश्यप, मैं शुरू से सपोर्ट में रहा, बागेश्वर धाम वाले बाबा के सपोर्ट में रहे मनीष कश्यप, मैंने कई सारे वीडियो खिलाफ में भी बनाए, मतलब बागेश्वर बाबा के बारे में मनीष कश्यप जो है उनके सपोर्ट में बनाए, जबकि ये खिलाफ में बनाए थे कुमार अभिनव जी। इनका आगे कहना था, इस दरमियान कई बार हम लोगों की मुलाकात हुई, लेकिन इस मुद्दे पर कट्टर विचार होने के बावजूद मनीष कश्यप ने कभी नहीं कहा कि अभिनव भाई आप ये सही नहीं कर रहे हो, या आपको मेरे साइड से होकर वीडियो बनाना चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है, मतलब वो अपने विचारधारा के कट्टर हैं, लेकिन दूसरों की विचारधारा से नफरत भी नहीं है। बाकी आप मनीष कश्यप की पत्रकारिता से नफरत करें या प्यार, लेकिन ये मानना ही पड़ेगा कि बंदा जमीन पर उतरकर सिर्फ खबर नहीं दिखाता है बल्कि उसके लिए लड़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि पत्रकारिता का मतलब खबर दिखाना होता है, जजमेंट पास करना नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, ठेकेदारी का मतलब ठेका लेना होता नहीं, डुप्लीकेट काम कराना नहीं, मतलब ठेका लेना होता है, डुप्लीकेट काम कराना नहीं। नेता का मतलब सेवा होता है, लूटना नहीं। इसके बाद आगे उन्होंने लिखा कि शिक्षक का मतलब पढ़ाना होता है, विद्यालय में सोना नहीं, डॉक्टर का मतलब इलाज करना होता है, किडनी निकालना नहीं। तो अगर किडनी निकालने वालों से, विद्यालय में सोने वालों से, देश को लूटने वालों से, डुप्लीकेट काम करने वालों का खबर न दिखा के एक पत्रकार चिल्ला के सवाल पूछ दे, उसके खिलाफ लड़ जाए, तो क्यों कुछ लोगों की फट जाती है। अरे सर, आप मानो न मानो, मनीष कश्यप ने सवाल पूछना और लड़ना तो सिखाया ही है, बाकी हर पहलू के दो सिक्के होते हैं, तो इस पहलू के भी हैं। मायने ये रखता है कि कौन से पहलू पर आपका फोकस ज्यादा है। बाकी आगे इन्होंने बधाई दिया और कहा कि बधाई हो, जलने वालों जलते रहो, चाहने वाले साथ हैं। बहुत अच्छी बातें लिखी इन्होंने। दोस्त, अगर हम ये सोच के बात करें, इस पर विचार करें कि ये जात कौन है, किस जाति के हैं, कहां से आते हैं, बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है, हम आप सब एक न्यूट्रल होके इस पूरे पोस्ट पर विचार करें। सच बात है कि पत्रकारिता का पूरा माहौल चेंज हो गया जब मनीष कश्यप जी ने बोलना शुरू किया। हमारे आपके जैसे ना जाने कितने लोग उनकी वीडियो को देखने लगे, पसंद करने लगे। मैं भी पसंद करता हूं, हमारे तो हमारी बातचीत भी होती है उनसे कई बार, हमारे साथ भी वो देखे गए होंगे।
अब जब आप दूसरे पहलू पर जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत लोग आज मनीष कश्यप जी को पसंद नहीं कर रहे हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, क्योंकि आज लोगों को यह लग रहा है कि वो बीजेपी के सपोर्ट में बोल रहे हैं, आरजेडी के खिलाफ में बोल रहे हैं। हो सकता है कि हम सब अपने अपने अलग अलग पार्टी के चाहते हैं, पार्टी को चाहते हैं, तो वो बात अलग है कि पार्टी के वजह से अगर हम चाहते हैं तो मनीष कश्यप हमें अच्छा नहीं लगेंगे। अगर हम ये सोचते हैं कि मनीष कश्यप एकदम जोरदार बोलते हैं तो अच्छा लगेगा, तो यह आपकी विचार है, अपनी अपनी विचार है। आप भगवान ने सबको अपना अपना मस्तिष्क दिया है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, अपने हिसाब से बोल सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं। ईश्वर की यह मानसा थी कि हम सबको अलग अलग अपना मस्तिष्क दे, आंख दे, देखने के लिए आंख दे, सोचने के लिए दिमाग दे, कि सब अपना अपना हिसाब से सोचे तो सोच सकते हैं। पर अभिनव भाई एक बात मैंने जो नोटिस किया, जब आपने कहा, आपने एक बड़ी बात कही कि ठेकेदार को ठेका दिया जाता है, ठेकेदार को ठेका मिलता है काम करने के लिए, ना कि लूटने के लिए, नेता बनता है सेवा करने के लिए ना कि घपला करने के लिए, डॉक्टर बनता है मरीज का इलाज करने के लिए ना कि किडनी निकालने के लिए, टीचर बनता है स्कूल में पढ़ाने के लिए ना कि सोने के लिए। अगर उससे सवाल पूछ लिया और जजमेंट की बात जो आपने की कि आप लोग वहां जजमेंट भी कर देते हैं जिस वजह से लोगों को तकलीफ होती है, कुछ लोगों को तकलीफ होती है, तो एक बात बताइए, अगर स्कूल में न पढ़ाने वाला गुनहगार है, सोने वाला गुनहगार है, किडनी निकालने वाला डॉक्टर गुनहगार है, घपला करने वाला नेता गुनहगार है, तो रिपोर्ट दिखाने वाला पत्रकार अगर जजमेंट करे तो क्या ये गुनहगार नहीं है? अगर हम सब कुछ अपने हिसाब से तय कर दें कि हमें सजा भी देनी है, हमें ही डिसाइड करना है कि कौन गलत है कौन सही है, ये पत्रकार ही डिसाइड करेगा कि कौन सही और कौन गलत, तो ठीक है, फांसी की सजा भी आप ही सुना दीजिए, आप खुद जेल बना लीजिए। और जब आप डिसीजन ले ही लेंगे कि कौन गलत है कौन सही है, आप खुद दूध के दूध पानी के पानी और डिसीजन सुना देंगे, तो फिर जज की क्या जरूरत है, कोर्ट की क्या जरूरत है, इस देश के संविधान को फिर लागू रहने की क्या जरूरत है? फिर तो ऐसे होना चाहिए कि जब मैं रोड पर निकलूं और मुझे कुछ गलती दिखे, कोई दो व्यक्ति लड़ रहा है और मुझे दिख गया कि एक में गलत है एक सही है, मेरे अपने आइडिया हो सकते हैं, मेरे अपने विचार हो सकते हैं, मैं झट से डिसीजन ले लूं कि यह गलत है, इसको हम मारना शुरू कर देते हैं, उसको गलत साबित हम कर दें, कोई जरूरत नहीं है पुलिस की, कोई जरूरत नहीं कोर्ट की। इस हिसाब से यह भी होनी चाहिए कि भाई यादव अलग अपनी पार्टी बना ले, राजपूत अपनी एक पार्टी बना ले, उसकी अपनी सेना होनी चाहिए, अपना जेल होना चाहिए, मतलब जहां जो दिखे हम सब फैसला वहीं कर दे, फिर जज का कोई काम नहीं है। तो जजमेंट से दिक्कत उन लोगों को होता है जो लोग समझते हैं कि जजमेंट करना आपका काम नहीं है, एक पत्रकार का काम नहीं है जजमेंट करना। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि पत्रकार का काम रिपोर्टिंग करना है, दिखाना है सही या गलत, जो भी चीजें हैं लोगों के ऊपर छोड़ना है, तो जो लोग ये सोच रहे हैं वो गलत नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपको हमारी बातें कहीं बुरी लगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बात बुरी नहीं लगेगी। हमारे देश में संविधान है, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, हमारे यहां कानून है, सबको अपने अपने खुद डिसीजन लेना अगर शुरू कर दे तो फिर तो हो गया भाई। इसका मतलब है कि जब हमको मन करेगा किसी को सजा देना है हम सजा दे दे, किसी को गुनहगार कहना है हमने गुनहगार कह दिया, तो सारे फैसले यही हो जाएंगे, फिर कोर्ट का कोई झंझट ही नहीं है। तो एक बात और, जो कुछ लोगों को यह लगता होगा कि कहीं मैं मनीष कश्यप के विरोध में हूं तो नहीं, और सपोर्ट में तो नहीं, एक बात बता दीजिए मुझे, मैं जो भी कुछ हूं मैं अपने बदौलत हूं, और अगर मैं जो काम कर रहा हूं लोगों को पसंद आया तो उन्होंने मुझे प्यार दिया, मुझे सहयोग दिया, तो जिस वजह से, तो सीधी सी बात यह है कि अगर हम पत्रकार हैं तो पत्रकार हैं, हमारा काम है, ठीक है, आवाज उठाते हैं, तो आवाज उठाने का क्या मतलब, आवाज उठाने का मतलब यही है कि वहां की स्थिति दिखाना,
जहां पहले के मीडिया नहीं पहुंच पाते थे वहां आप पहुंच पा रहे हैं। यह तारीफ वाली बात है कि आप रात हो दिन हो वैसे जगहों पर आप जाते हैं जहां लोग पहले के मीडिया नहीं पहुंचते थे। इस काम की मैं सराहना करूंगा आपकी, पर अगर जब आप उस माइक को बंदूक से ज्यादा खतरनाक बना लेंगे तो फिर वो देश हित में सही नहीं होगा, वो राष्ट्र हित में सही नहीं होगा। तो हमें उसकी गरिमा को भी बचाए रखना है और जो कुछ हमारे बस की बात है हमें उतना ही करना है। सब कुछ हम ही डिसाइड कर देंगे तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। बाकी सही बात है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सोचता है हर बात को। आप इस बात को कैसे सोचते हैं? कोई पत्रकार का काम कहीं से नहीं बनता है कि भाई हम किसी एक व्यक्ति को ऐसे टारगेट कर दें कि उसको हमें बदनाम कर ही देना है चाहे जैसे हो जाए। हो सकता है कि मनीष कश्यप जी ने, उन्होंने बताया कि भाई हमने एक शेयर कर दिया था, वीडियो शेयर कर दी थी, जो वीडियो पहले से बना हुआ था कि तमिलनाडु में क्या हुआ, उस पर उन्होंने वीडियो शेयर कर दिया। उन्होंने कहा मैंने नहीं बनाया, जो बना हुआ था मैंने शेयर कर दिया, या अखबार में जो छपा था वो मैंने शेयर कर दिया, या वो बातें बोल दी। ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर ये चीजें मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, तो क्षमा मांग लेते अपने दर्शकों से कि भाई हम बहुत काम करते हैं आपके लिए, बहुत अच्छी अच्छी खबर हमेशा दिखाते हैं, इस बार हमसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, हमने भी उसे जांचा परखा नहीं सही से। हम लोग भी पढ़ाते हैं, हम लोगों से भी गलती होती है, सवाल बनाते बनाते लाइव क्लास में भी, कभी रिकॉर्डेड में भी खुद नहीं देखा, कभी पढ़ाते पढ़ाते कोई जोर में ही गलती हो जाए, घटाव में ही गलती हो जाती है, अगली बार सुधार लेते हैं, कॉमेंट करके पिन कर देते हैं कि बच्चों इस सवाल में हमसे गलती हो गई है। बच्चे समझ जाते हैं गलती किसी से भी हो सकता है, हमसे आपसे किसी से भी, हम ईश्वर नहीं है, हम इंसान हैं। और जब हम बता दें कि भाई ये गलती हमसे हुई, और निश्चित गलती भी उसी से होगा जो काम करेगा, कमियां निकालने वाले तो हमेशा कमियां ही निकालेंगे, वो सब में कमियां निकालेंगे, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। पर जब हमसे गलती हो जाए हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई ये चीज हमसे गलती हो गई है। बिहार के मजदूर पलायन करते हैं, बिहार में बेरोजगारी है, इसी वजह से लोग बाहर जाके मजदूरी करते हैं, यह मुद्दा बिल्कुल जायज है, इस सवाल को उठाना कहीं गलत नहीं है। पर मिस्टेक वहां यह हो जाता है कि बात यह उठानी थी और बात कोई और शेयर हो गया, और उसको सिद्ध करने के चक्कर में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि नहीं उस बात को हम सिद्ध ही करेंगे, और केवल तेजस्वी यादव को टारगेट कर लेना ये भी अच्छी बातें नहीं है। तो ऐसे में भाई जो तेजस्वी यादव के चाहने वाले हैं उनको तो बुरा लगेगा, और जो तेजस्वी यादव के विरोधी हैं उन्हें अच्छा लगेगा कि खूब तेजस्वी यादव को गाली दिया सबने, बहुत अच्छा बोला। पर क्या हम फिर जब हम ऐसे कर लें कि कोई पार्टी हमें समर्थन देने लगे और उसके खिलाफ हम बोलने लगे, अगर हम ऐसे पत्रकार हो जाए जो तेजस्वी यादव के खिलाफ में जितने भी लोग बोलने वाले होते हैं उन सब की वीडियो बना बना के हम अपने चैनल से डालते चले जाएं, तो फिर हम लोगों का क्या होगा? और बाकी वो लोग जो न्यूट्रल होके इस बिहार को देखते हैं और बिहार को बदलना चाहते हैं न्यूट्रल होके, न किसी जात, न किसी धर्म, न किसी पार्टी, कोई भी व्यक्ति, जो मेरे भी बहुत सारे काम आए हैं, जो पार्टी, जो विधायक बीजेपी में है और उन्होंने मेरा काम कर दिया है, जो मेरा काम फंसा हुआ था बहुत दिनों से, मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा, वो मेरे जाति के भी नहीं है, मैं बीजेपी का समर्थन नहीं हूं, मैं बीजेपी का विरोधी नहीं, मैं किसी खास व्यक्ति का लेकिन समर्थक हो सकता हूं अगर वो अच्छा काम करता है तो, और किसी एक व्यक्ति के खराब होने से, किसी एक जाति में किसी एक व्यक्ति को खराब होने से कोई जाति खराब नहीं हो सकता। इस बात को हम लोग को मतलब समझना पड़ेगा, और आज के युवाओं को इससे ऊपर उठना है। बेरोजगारी का मुद्दा बड़ी मुद्दा है, पलायन का मुद्दा बहुत बड़ी मुद्दा है, इस पर आवाज उठना बिल्कुल जायज है, इसमें नाजायज की कोई बात नहीं है। पर अगर हम माइक लेके कुछ भी करें और कुछ भी बोले
हमें अगर थोड़ी भी डर ना होना, अपने संविधान का ख्याल होना, कानून का डर हो, तो गलत है। थोड़ा सा हमें भी संभलना पड़ेगा। अगर हमसे गलती हो जाए, हम हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेंगे, या अपने लोग हैं, हमें अपने चाहने वाले हैं, वह हमें माफ कर देंगे। बाकी अगर सच के लिए लड़ते हैं तो आप लड़िए, अगर सच के लिए लड़ते हैं जीत आपकी जरूर होगी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और कुछ लोग हमें यह भी कहते हैं कि टीचर हो तो पढ़ाने का काम करो, कहां इन सब चक्कर में पड़े हो, तुम्हारा काम ये थोड़े है। तो मैं उनको संदेश दे दूं, टीचर का काम पढ़ाना जरूर है, लेकिन ये देश मेरा है, ये बिहार मेरा है, और इसकी जिम्मेवारी सिर्फ एक नेता को नहीं, सिर्फ एक टीचर को नहीं, एक मजदूर क्लास तक के लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि हमें अपने बिहार को कैसे बचाना है, कैसे समझना है, क्या सही है क्या गलत है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, इन सब का दायित्व बनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।